अगर आप पबजी के बैन होने के दुख से अब तक उभर नहीं पाए हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अक्षय कुमार ने धमाका कर दिया है। पबजी के ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे गेम फौजी को आज लॉन्च कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर इसका एक वीडियो शेयर करते हुए गेम को लॉन्च किया। अक्षय कुमार ने इस वीडियो के जरिए लोगों को आज ही अपने इस मिशन को शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुश्मन का सामना करो, अपने देश के लिए लड़ो, अपने ध्वज की रक्षा करो। भारत का सबसे एंटिसिपेटेड एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी, आज ही अपना मिशन शुरू करें। अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस गेम को शेयर किया। दरअसल इस वीडियो में गलवान घाटी पर हुई झड़प का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे गलवान घाटी में देश का झंडा गायब हो जाता है, फिर दुश्मन भारतीय सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद भूस्खलन से गिरी चट्टानों की वजह से कई जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक लेफ्टिनेंट की जान बच जाती है जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हार न मानने की बात करते हैं। आखिर में वीडियो में कहा जाता है, बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। बता दें कि भारत में काफी पॉपुलर हुए पबजी मोबाइल गेम के बैन होने पर अक्षय कुमार और गेम क्रिएटर कंपनी एनकोर गेम्स ने मिलकर फौजी गेम की घोषणा की थी। फौजी का फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये गेम भारतीय सीमा पर तैनात जवानों को समर्पित है। दरअसल अक्षय ने इस गेम की अनाउंसमेंट करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को समर्थन करते हुए एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी को पेश करने पर गर्व है। मनोरंजन के अलावा खिलाड़ी हमारे सैनिकों के बलिदानों के बारे में भी जानेंगे। इसका 20% नेट रेवेन्यू भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। भारत सरकार ने 2 सितंबर को पॉपुलर बैटल रॉयल गेम पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया था। दावा किया जा रहा है कि पबजी गेम के यूजर्स इस गेम को भी काफी पसंद करने वाले हैं। फौजी गेम में आपको बैटल रॉयल गेम प्ले मोड नहीं मिलेगा, हालांकि इसमें कई सारे प्लेयर्स एक साथ खेल सकेंगे। इस तरह के मल्टीप्लेयर मोड का सपोर्ट हाल ही में पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स में मिला है। हाल ही में फौजी के डेवलपर एनकोर ने खास जानकारी दी कि इस गेम के लॉन्च होने से पहले ही गूगल प्ले पर 40 लाख से भी ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हासिल हो चुके थे। फिलहाल ये गेम गूगल प्ले स्टोर पे लाइव हो गया है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। इसके बाद आपको फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड सर्च करना होगा। फिर सर्च रिजल्ट में जाकर आपको फौजी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक पेज पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।